तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से और एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों मैं ये लेकर आया था सुबह बेम्बो, तो वो रास्ता वाला तो जो ब्लॉक करके रखा ना उसको मैं हटा दिया, पूरा पसीना छूट गया। एक्चुअली मुंह से मैं पूरा पसीना वाइप कर दिया हमें। कितना बारी होता है, हैवी होता है बेम्बो यार, हालत ख़राब हो जाता है। और धूप तो आज तो ना का बराबर है, लेकिन भी इतना तापमान इतना ज़्यादा है यार, बोलो ही मत, पूरा हालत ख़राब हो जाता है। और मिस्त्री वो अभी तक नहीं आया, तो आने के बाद फिर से बनाएंगे। तो इसी में पूरा ऐतल तक तो सब कुछ में मैनेज कर दिया हमें, बस मिस्त्री बाबू को वेट करना ओनली। और हमारा वाइफ वह चावल जा रहे हैं, यानी कि सफाई कर रही है वाइफ वह जा रहे, मतलब हमारे भाषा से ऑलमोस्ट सेम होता है, हिंदी से क्या कहता है पता नहीं इस वो क्रिया को। और यह है मेरा घर, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो कम्प्लीट होने के लिए कई दिन लग सकते हैं। एक्चुअली ना गर्मी के कारण, टेम्परेचर के कारण हो नहीं पा रहा, मिस्त्री मतलब नहीं आ रहा। अच्छा क्या, मैंने ठेका में दिया है हमें, और दिन बाईस देता तो बहुत लॉस था मेरा, प्रेशर मेरा खुजली कर रहा है बेम्बू को हटाने के बाद, बहुत है बेम्बू। सो एक्चुअली मैं जाने वाला था फिशिंग में, और यहाँ पर आ चुका है मिस्त्री बाबू, यानी कि प्रियंका जी का बुआ जी का हस्बैंड फिर से। तो सोच रहा हूँ कि उसका थोड़ा हेल्प करते हैं भाई, तो इंतजार उसको उस तरफ रखा था, तो वहाँ पर रखने का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर से यहाँ पर लाना पड़ा है, क्योंकि अब दान करते हैं रोज से, मुझे बद्दुआ दे दे के जाएंगे कुछ लोग, इसलिए इसको पूरा मैं सफाई कर दिया, यानी कि हटा दिया मिस्त्री बाबू। हमारा गरबा का अपडेट यही है भाई, धीरे धीरे तो हो रहा है, तो इसको काफ़ी फेस लग रहा है, तो इसको थोड़ा पानी पिलाते हैं, पानी बन रहे भाई। तो यहाँ पर एक तो वो बिजली का वायर था, तो उसे मैंने निकाल दिया हमें, एक्चुअली उसके वजह से काफ़ी तकलीफ झेल रहे हैं, तो थोड़ा सा बड़ा करने के लिए बोलता है। इस तरफ में एक तो वो बेरानी बनाएंगे, ताकि हाँ सर्दी हुआ है मेरा, बेम्बो का ऊपर में फिर से बिछा देंगे बेम्बो, काट कूद के चीर फाड़ के। एक्चुअली ना वो ट्रैक्टर वाले इसमें वो रखा था, रोड तरफ ब्लॉक हुआ था, एक्चुअली ये मैं वो पूरा यहाँ पर हटा दिया, लगभग मुझे एक घंटा के आसपास या उससे ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ा, पूरा पोछना पोछना होना पड़ा, तो यहाँ पर रखने का कोई फायदा नहीं हुआ, ओखरा का काम सा हो गया। और अभी चलता है इस तरफ वाइफ को ना खेती किए हैं, देखो तो तेरा खेती पूरा बर्बाद हो गया, जंगल हो गया। मेरे चिंती ना यहाँ पर दवाई मारा था, पूरा तकला हो गया, सब मर गया, रेस्ट इन पीस। और अभी चलते हैं मेरा सुपर का नर्सरी को देखने के लिए, मैं पूरा 15,000 पौधा में ला दिया, पौधा नहीं बल्कि नर्सरी किया मैं, तो वहाँ से बस 10,000 जीवित रहने से हो जाएगा, लाख रुपया कमा दूंगा, उसको सेलिंग करके वहाँ पर लगा दिया और उस तरफ में लगा दिया, तो वो वाला तो बढ़िया हुआ है, तो ये वाला भी बढ़िया हुआ है, लेकिन देखते हैं कितना जिंदा बचता है वहाँ से, क्योंकि 100% तो एक्यूरेट जिंदा नहीं बचते हैं, वहाँ से कुछ ही परसेंट मर जाते हैं। ये दोस्तों मेरा सुपर का पौधा इसमें है, और यहाँ पर भी निकल रहे होंगे, बाद में दिखाई देगा, तो यहाँ पर निकल गया और इसी में निकल गया है, यहाँ पर निकल गया, वहाँ पर निकल गया। अगर ये पूरा जिंदाबाद जाएंगे तो मैं मालामाल हो जाऊँगा, एक्चुअली मैं यूट्यूब का पैसा से मैं बढ़िया सा घर बना नहीं पाऊँगा, तो मेरा लास्ट चांस यही है सुपारी का पौधा। उस साल में 15,000 लगा दिया हमें, तो अगले साल में 30,000 पौधा, वो 30,000 सुपारी नर्सरी करने की कोशिश करूँगा मैं, पूरा फुल सेविंग करके ही, और ये वाला पूरा हिस्सा में नर्सरी किया हमें, ये वाला हिस्सा जी गैस, ये वाओ
इसमें दो निकल रहे हैं, इसमें भी निकल रहा है नर्सरी। अरे साला ये मिस्टेक हो गया, क्या हो गया ये तो लगता है मैंने इसमें फेर लगा दिया होगा, इसलिए मर गया ये, पूरा सड़ गया ये। और ये उतर है, ये उतर है, ये पूरा निकल रहा है भाई। फिर बन जाऊंगा यार मैं लाखपति, अगर ये बच जाएगा तो आराम से मिल जाएगा मुझे 3 लाख 4 लाख मिल जाएगा आराम से। या यहाँ पर भी है काफ़ी सारे, ये मतलब इसमें जितना मरा हुआ मतलब वही जंगल दिख रहा है ना ये, इसको उसमें पूरा फिर ला दिया मैं सुपारी नर्सरी। और घने खेती मिट्टी पूरा काले हैं, पता नहीं जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, इतना तेज धूप दे देता है। रहना चाहिए, पानी तो देना पड़ेगा ना। और मिस्त्री बाबू का वो हाथ खाद गया उल्टा है बेम्बू का, उससे क्योंकि बहुत शार्प होना है, थोड़ा सा लगने से खाद जाता है, संभाल संभाल के काम करना पड़ता है, बहुत तेज होते हैं, ब्लेड की तरह होते हैं तो ज़्यादा हाइट नहीं है, तो हमारे यहाँ पर ऐसे करके बनाते हैं, बस इतना हो जाएगा और बस इतना ही काफ़ी है। ऐसे बनता है लकड़ी का घर, जो भी हो टूटा फूटा हो, लकड़ी का हो बेम्बो का हो, बस अपना ही होते हैं। कुछ लोग तो कहेंगे कि इतना एक्साइटेड लगता है कि लाखों का करोड़ों का घर बना रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो किसी तो कमेंट है, मैं फेसबुक में अपलोड किया हूँ, फेसबुक में ना वीडियो अपलोड करने से उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर आते हैं हेड कमेंट, लेकिन यूट्यूब का कम्युनिटी लोग अच्छे होते हैं तो बहुत मस्त होते हैं, ऐसे गंदा गंदा और नेगेटिव कमेंट नहीं करता, लेकिन फेसबुक ना बहुत गले गले पड़ते यार। और वहाँ पर बांध रहा है स्ट्रांग करके बेम्बू, एक तो लकड़ी, एक तो ऐसे करके बनाएंगे और ऐसे करके ही बनाए जाते हैं। और ये लकड़ी ना बहुत महंगा होता है आपके वहाँ पर, तो ये यहाँ पर काफ़ी सस्ता होते हैं। देखिएगा इस पूरा स्पेशल लकड़ी और मिट्टी के अंदर में गाड़ के लगभग 2 फीट के आसपास है, मतलब नीचे वो डाल दिया, उसके बाद नहीं हिलेगा, आठ कोई कोने से भी कुछ नहीं होता है। सो अभी छर के देखते हैं अपने घर में, थोड़ा टेस्टिंग करते हैं छर के। गिर गया यार तो भाई, पहली बार मैं चरा के आऊँ चप्पल के साथ अपना ही घर पे। या वो स्कूल का घर है आंगनबाड़ी सेंटर है, क्लोज है, जो कि उससे वो तो ओपन नहीं होगा, वो कोलैप हो जाएंगे, छेद हो रहे हैं, चूहा लोग ख़त्म कर रहे हैं। और इसमें बनेगा रूम, इसमें एक तो मेहमान लोग रहने के लिए, और यहाँ पर बनेगा किचन और मेहमान लोग को रेस्ट करने के लिए, उस तरफ भी एक तो बनेगा बाद में, अभी नहीं, कुछ महीने के बाद बनाऊंगा वो, ये बस बचत का हिसाब से। फिर भी यहाँ पर पैसा तो गया है 35,000 के आसपास, बस लकड़ी पे बेम्बू पे, लकड़ी पे और काटिंग पे, बेम्बू काटिंग सॉरी लकड़ी पे, और ये लकड़ी तो खाता है के लिए, और मेकिंग कॉस्ट और काफ़ी सारे और छोटा मोटा कॉस्ट होते हैं, वो उसमें ला के 30-35 तो चला गया, और भी जा सकते हैं, जाएगा भी लगभग 45-50 के आसपास एस्टिमेट रखता हूँ मैं ये घर का। तो इसको होने के बाद वहाँ पर एक तो बनेगा, वहाँ पर मतलब रेस्ट करने के लिए या इन फ्यूचर में पता नहीं। और यहाँ पर ना छोटा सा एक तो बनाऊँगा मैं, जिसे हम इजर कहते हैं, उसमें बस वो ताली बर्तन से पानी रखने के लिए, और वहाँ पर ना बस वो सफाई के लिए, ताली बर्तन के सफाई के लिए वहाँ पर एक तो बनेगा, वो भी लकड़ी का बेम्बू का बनेगा, तो उसमें ही। तो ऐसा होने से और हम लोग का ना नियम पे ना एक घर चाहे जितना भी छोटा हो लेकिन 2 दरवाज़ा होना पड़ते हैं, ये नियम इस नियम होते हैं। तो इस तरफ भी एक दरवाज़ा होगा, उस तरफ भी एक दरवाज़ा होगा, तो ऐसे करके बनाएंगे। साइड का नहीं बना है, उस वहाँ पर उस साइड का बांध दिया है बढ़िया से, और लकड़ी तो काफ़ी स्ट्रांग है, मेरा वेट 80 समथिंग है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रांग और कीमती होते हैं ये वाला लकड़ी, यहाँ पर सस्ता होता है आपके वहाँ पर पूरा
1,700,000 के आसपास हो सकते हैं। हमारे यहाँ पर सस्ता ही भाई, एक दुनिया भर का लकड़ी है इसलिए। गिर गया तो इसका ऊपर में तो बांध लेगा लकड़ी। तो फिर से आ चुके हैं सुबह सुबह बनाने के लिए। तो एक्चुअली कल और ज्यादा रात होने के कारण मैं ब्लॉगिंग करना बंद कर दिया हूँ मैं, तो धीरे धीरे करके बन रहे हैं। और भाई एक्चुअली ना ये मेरे लिए छोटा लग रहा है, तो मैं इसमें फिर से एक तो इसमें रूम एक्सटेंड करने का मैं सोच रहा हूँ मैं, तो बात भी कर लिया, तो फिर से इसमें और तो बनेगा यहाँ पर रूम एक्स्ट्रा। एक्चुअली ये किचन बनेगा तो वहाँ पर बड़ा करके रखूँगा गैस को रखने के लिए, तो और बचत भी बढ़ेगा, तो कोई बात नहीं 50+ हो जाएगा इसका बचत। और बस यहाँ पर इतना तक तो रूम ओनली पर किचन, तो वहाँ पर गैस तो बहुत बड़ा करके रख दूँगा रूम, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको कम्प्लीट होने के लिए। बचत एक्सटेंड हो रहा है भाई। और यहाँ पर रखेंगे, मैं बोल रहा था कल वहाँ पर वो पानी वानी रखने का चीज़ें, ताली बर्तन रखने का चीज़ें, हम लोग तो पानी बाहर में रखते हैं तो उस तरफ बनाएंगे, तो बचत तो 50+ हो जाएगा यार, तो कोई बात नहीं यहाँ तक तो आ जाएगा यहाँ तक तो। और आगे पे भी वहाँ पर आदमी रेस्ट करने के लिए बनाएंगे और भी हो जाएगा बचत, कोई बात नहीं धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे। मेकिंग कॉस्ट तो हाँ, मेकिंग कॉस्ट और प्लस लकड़ी ना, लकड़ी का कॉस्ट और काटिंग का कॉस्ट, क्योंकि सेंसो वाला आदमी को ना बुलाना पड़ता है पैसा देके, तो वो लोग पूरा पैसा लेते हैं, इसलिए मेकिंग कॉस्ट तो इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। और साथ मुझे बेम्बू फिर से लाना पड़ेगा और तको पत्ता भी फिर से कोसना पड़ेगा गाँव पे आजू बाजू में। तो दोस्तों मुझे ना काफ़ी व्यस्त रहना पड़ रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ से हमको सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है, इसलिए बड़ा तो है ही फिर भी छोटा लग रहा है यार। मेरा हिसाब से ना काफ़ी सारे गेस्ट आएंगे इसलिए हमको छोटा लगता है, इसलिए उस तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक तो किचन मतलब खाना वाना खाना खाने के लिए उस तरफ एक रूम, और आगे की तरफ मैं एक्सटेंड कर दूँगा एक यहाँ पर बस रेस्ट करने के लिए, यहाँ पर इसी में ओनली फॉर रेस्ट, वो भी लकड़ी का यार, लकड़ी का। तो मेरा सपना तो यूट्यूब मनी से हो नहीं पाएगा, बड़ा सा मतलब कर बनने का आश्रित है का, तो इसलिए मुझे एक्स्ट्रा वो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अदरक का खेती मुझे बहुत करना पड़ेगा और सुपारी का नर्सरी बहुत करना पड़ेगा, तभी हो सकते हैं यूट्यूब का भरोसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आजकल ना यूट्यूब में हम लोग का प्रियंका का बहुत व्यूज डाउन हो गया, और वाइफ का ना एक बैड न्यूज़ ये है कि मैं उसका मोबाइल दिखाऊंगा, उसका मोबाइल ना वो डिस्प्ले पूरा गिरने वाला है, ठीक से काम नहीं कर रहा है पूरा, वो हा हो गया यानी कि गिरने वाला पूरा हिल रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं देखिए गैस वाइफवा का मोबाइल का हालत क्या हो गया, पूरा मगरमच्छ का मुँह हो गया, पूरा खराब हो चुके हैं, बोल रहे हैं कि ब्लॉगिंग कर नहीं पाएगी, तो मेरा मोबाइल से बनाती है ब्लॉगिंग, पूरा मगरमच्छ का मुँह हो गया, तेरा मोबाइल का हालत देख क्या हो गया,7 साल हो रहा है और ये मोबाइल तो एक्सपायर होने वाला है, और हम लोग भी बहुत जल्द लेने की ट्राई करेंगे, वो भी ईएमआई में ले लेंगे, नहीं तो प्रियंका जी का वो ब्लॉगिंग स्टॉप हो जाएगा। इसलिए इससे हम लोग फ्लोर में देने के लिए बेम्बू कटिंग कर रहे हैं, पूरा एक्सपीरियंस है, और इसका ऊपर में आदमी रहते हैं घूमते हैं, पूरा फ्लोर बिछाना है, उसके बाद देखते रहना आप दैट गाइस। तो बेम्बो एक एक करके यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, अभी तक 2 हो चुका है मिस्त्री, तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर दिए हमें प्रियंका जी का वो बुआ का हस्बैंड को, और उन्होंने एक आदमी लेके आए हैं ऐसे हेल्पर, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज तो पूर्णिमा है यार, तो वाइफ हुआ वो खाना बना रही है और मैं आ चुका हूँ वीडियो को फिनिश करने के लिए, और वाइफ हुआ का मोबाइल ना देखने के बाद पूरा
एक तरफ से अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो घर भी बहुत ही जरूरी होते हैं। ये तो मोबाइल तो कई दिनों से ऐसे हो चुका है, मतलब वो मैं उसको बताया नहीं, मैं तो फिर बढ़िया से चिपका कर रखता हूँ वो मोबाइल। तो कोई बात नहीं, उसे हम लोग ले लेंगे, मैनेज कर करके ईएमआई में ले लेंगे। तो सबसे पहले मेन थिंग जरूरी है घर और किचन, क्योंकि ना वो काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं, वो लोग उम्मीद लेके आता है कि हम लोग का साथ रहेंगे, हम लोग साथ खाएंगे सोएंगे, तो हम लोग उन लोग को ऐसे सुविधा दे नहीं पाता है, इसलिए इंसल्ट फील होता है हम लोग को यार। इसलिए इंसल्ट को बचाने के लिए मोबाइल को साथ में रख के हम लोग बना रहे हैं घर, यानी कि किचन रूम बना रहे हैं। तो इसका बजट 50,000-60,000 तो हो जाएगा, तो 50,000-60,000 से आराम से तो आईफोन 13 ले सकते हैं। तो उसको गोली मार के हटा के तो ये बना रहे हम लोग। सो गाइस, कल और आज की वीडियो को अभी फिनिश करते हैं, तो मिलेंगे कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। तो बाय गाइस, बढ़िया से रहना, बर्फ खाना खाना और खूब इंजॉय करना, देर ख्याल देना, बाय।